दसवीं बारहवीं पास के लिए AAI में वैकेंसी, सैलरी 28,000 रुपये। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती, आप सभी का जॉब अलर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे, हमारा चैनल पहुंचाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं पूरा डिटेल, आखिर कितनी वैकेंसी है, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है एज। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में। तो चलिए ये देख लेते हैं और डिटेल में ले लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, आखिर क्या है पोस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया जो है वो आपकी 1 अगस्त से शुरू होगी और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो वो 31 अगस्त है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 119 पदों पर वैकेंसी निकाली है और ये भर्ती सिर्फ जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के निवासियों के लिए है। वैकेंसी पद जो है वो बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात उन लोगों के लिए है जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के रहने वाले हैं। उन लोगों के लिए है कि पोस्ट कम होते हुए भी स्टेट जो है वो भी कम है। चलिए आइए पद का नाम देख लेते हैं। तो पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज और पदों की संख्या जो है वो 119 है। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या बारहवीं पास की हो, साथ ही मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर में 3 साल का डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस हो। यदि हम एज की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल यानी कम से कम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं और 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यता है इस पे एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कि यदि आपने दसवीं और बारहवीं तो आपने पास किया ही है किसी मान्यता प्राप्त या रिकॉग्नाइज बोर्ड से, लेकिन साथ ही इसके आपको या तो मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल फायर में 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना कंपलसरी है। चयन प्रक्रिया कैसे होनी है ये देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होना है, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी आपको 4 टेस्ट से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको रिटर्न यानी ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसको क्रॉस करने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसमें देखा जाएगा आप पास जो हो जाएंगे उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी 12,500 से 28,500 प्रति माह, तो आप 28,500 यानी 29,000 के लगभग समझ लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और यदि आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो वो 30 अगस्त है, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है। अधिक जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट दिया हुआ है www.aai.aero पर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन है अभी आया नहीं है। 1 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे देंगे इस साइट का। तो चलिए ये चलते हैं इसकी साइट पे, क्योंकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे फुल देंगे एंड ट्रू देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये है आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहीं पे आपके आएगा। और अभी यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, लेकिन क्योंकि आपके जो फॉर्म है 1 अगस्त से भरे जाने हैं तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आपको क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगी आपको। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो जॉब अलर्ट की इन्फॉर्मेशन तो दे लेकिन फुल एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन दे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए ट्रू एंड न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।